ब्यूटी ऑफ विलेज बजना। अच्छा तो ये देखें जी, माशाल्लाह बजना शहर का चिनार। हाँ सर, इलाका चिनार, चिनार इलाका। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल बजना, ये येलो वाला, येलो। ये देखें जी आपको गवर्नमेंट हाई स्कूल बजना देख रहा है अभी, ये येलो सीलिंग के साथ। और ये सामने मोटरवे चौक है, बिल्कुल वाजह आप लोगों को दिख रहा है, जहाँ से चार तरफ रोड जा रही है। और मज़े की बात यह कि अगर आप हाइकिंग के शौकीन हैं तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है ये। नीचे आपको इलाका दिख रहा होगा। और सबसे बेस्ट बात यह कि गगन आ जाने के लिए आपके पास कम से कम एक दिन होना चाहिए, लेकिन मानसरा में अगर आप आ जाएँ तो उससे मेरे ख्याल से मैक्सिमम एक घंटे में आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं और इन कुदरती नज़ारों से लुत्फ़ानंदोज़ हो सकते हैं। ये देखें आप लोग, ये पत्थर देखें, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे इस पत्थर को किसी ने उठा कर रखा होता है। आप लोग देख रहे हैं जगह नीचे से टच दे, ये टैंक बना हुआ है चिनार। ये सामने वाटर टैंक है जी बजना चिनार में, जो इस पूरे इलाके को पानी मुहैया करता है। यहाँ से पाइपलाइन जा रही है, मैं कोशिश करता हूँ, ये देख रही होगी आपको पाइपलाइन भी। तो ये जगह हुस्न व जमाल के लिहाज से अपनी मिसाल आप है बिल्कुल। वो सामने आपको छिनकारी का गांव दिख रहा है, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, वाजे देखें आप लोगों को। ये छिनकारी है और ये सामने बिदादी का गांव है। और बीच में मोटरवे गुजर रहा है, ये इस तरफ शिनाई का गांव है, फिर आगे जाकर डोडियाल का गांव है और वहीं पे हज़ारा मस्जिद भी है, हज़ारा यूनिवर्सिटी। और ये साथ में मस्जिद है हज़ारा यूनिवर्सिटी वाली, थी नहीं ये देख रहे हैं जी, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये हज़ारा यूनिवर्सिटी की मस्जिद है, ये आप लोगों को दिख रही होगी डोडियाल, डोडियाल। अच्छा हज़ारा यूनिवर्सिटी उस तरफ है। तो कुदरत के इन करिश्मात से अगर आपने लुत्फ़ानंदोज होना है तो डिस्ट्रिक्ट मानसरा से सिर्फ एक घंटे के फासले पर है। तो आज हम लोग
विलेज लाइफ एंड टूर्स की फैमिली यहाँ आई है इधर आप लोगों को सैर कराने के लिए इस कुदरती इलाके का, कुदरती हुसन से भरपूर इलाके का, जो कि डिस्ट्रिक्ट मानसर से सिर्फ तकरीबन मैक्सिमम कोई होगी 25 से 35 किलोमीटर, इतना ही होगा 25 किलोमीटर है। और मोटरवे ने यहाँ पर आना है बिल्कुल इतना आसान बना दिया कि अभी 40 मिनट से एक घंटे के दौरान आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं इसी जगह पर जहाँ पर हम लोग हैं, 20 मिनट। तो ये भाईजान यहाँ के लोकल हैं, बचपन से कहते हैं कि 1967 इनकी बर्थडे और तब से ये यहीं पर मुकीम हैं। तो कहते हैं जब से 4-5 साल गए थे आज तक के जितनी तब्दीलियां यहाँ पर हुई हैं उन्होंने अपनी आँखों से देखी हैं। तो ये हम आपको पहले भी मैंने दिखाई थी दूसरी वीडियो में कि ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो सरसब्ज़ पाकिस्तान बनाना है, ग्रीन पाकिस्तान, तो उसके तहत ये चीड़ के दरख्त लगाए हुए हैं यहाँ पर। तो इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद ये बहुत ही हसीन व जमील होंगे और इस इलाके के हुस्न में मज़ीद इजाफा करेंगे। तो ये मोटरवे गुजर रहा है यहाँ से और साथ में ही दरासरन भी गुजर रहा है। अच्छा ये सामने कोई मेला है, क्या चीज़ है? अच्छा जी, अच्छा जी, ये सी पैक का जो काम के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स ज़रूरत होते हैं मशीनरी वो यहाँ से ऑपरेट होती है। ये सामने आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखें मैंने जूम करके फुल यहाँ से गाड़ी आ रही है। तो ज़रूर इस इलाके की सैर के लिए आए हैं आप लोग, चूँकि मानसर से बिल्कुल करीब है और अभी आप लोगों को भाईजान ने बताया कि सिर्फ 20 मिनट के फासले पर है। और हाइकिंग के लिए सबसे बेस्ट जगह ये आप लोगों को देख रहा होगा, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं माशाल्लाह, कुदरत के करश्मे हैं ये देख रहे हैं आप लोग। और जिस पत्थर पे हम खड़े हैं ये तो माशाल्लाह बहुत ही ह्यूज ह्यूज वन, ये देखें यहाँ से स्टार्ट होता है ये भी सारा है कि ये, और ये आगे नीचे तक जाता है। वो दूसरे पत्थर भी आप लोगों को देख रहे होंगे और पत्थर कैसे तरतीब से खड़े किए हैं, अल्लाह पाक की कुदरत है ये। तो मैंने अभी एक यहाँ की एक वो भाग गई, तो आपको खुश्की वाले जानवर भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इन रेप्टालिया या रेप्टाइल जिन्हें कहते हैं। और ये देखें पत्थरों में कैसे कटिंग करके इन्हीं रेप्टाइल्स के लिए, चिरंद परिंद के लिए, पानी के लिए ज़खीरा करने की जगह बनाई हुई है। ये देखें जी, देख लें कुदरती हुसन से मालामाल। और ये सामने जो टंकी बताई थी मैंने, पानी की टंकी है ये, जैसे पूरे इलाके को पानी मुहैया किया हुआ है। और साथ ये पाइपलाइंस भी आप लोगों को देख रही होंगी। और यहाँ से देखें शिनकारी का गांव भी आपको बिल्कुल कदमों तले देखेगा। तो ये पत्थर देखें कैसे खड़े हैं अपनी जगह पे, ये अल्लाह पाक की कुदरत है। और जब कभी आप कुदरती मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं तो तब आपको इस बात का भी अंदाज़ा होता है कि अल्लाह पाक ने ये सारा निज़ाम कैसे अल्लाह पाक चला रहे हैं। वो कुरान पाक की आयत है ना कि वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय अफला युमिनून, कि और हमने तमाम जानदारों को पानी से पैदा किए फिर भी आप लोग ईमान नहीं लाते। तो ये देखें बहुत ही हसीन और जमील कुदरती मनाज़र हैं यहाँ के। ये मोटरवे चौक पे गाड़ियों का रश है अभी देख रहा होगा आपको।